Hey guys, welcome back. आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज हुआ एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म द ब्लैक कोट्स डॉटर के बारे में. दिस फिल्म इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ऑसगुड पर्किंस. आईएमडीबी रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10. रॉटेन टमाटोज में इसका स्कोर है 73%. मेटाक्रिटिक स्कोर है 68%. दिस फिल्म स्टार्स इन द लीड रोल्स एमा रॉबर्ट्स एज जून, कियर्नन शिपका एज कैट, लूसी बॉयंटन एज रोज. कहानी की शुरुआत होता है और हम देखते हैं ब्रैमफोर्ड एकेडमी नाम के एक स्कूल की सारे स्टूडेंट्स छुट्टियों पे घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है. उनके पेरेंट्स भी आ गए हैं उन्हें पिकअप करने के लिए, लेकिन सिर्फ दो स्टूडेंट्स कैट और रोज अभी तक स्कूल में ही है क्योंकि उन्हें लेने कोई भी नहीं आया. इन दोनों में से रोज इंटेंशनली अपने पेरेंट्स को गलत डेट बताई थी क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है. तो छुट्टियों में जाने से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर इस बारे में डिस्कस करना चाहती थी. उसके घर ना जाने की रीज़न तो समझ में आ गई, लेकिन कैट वो बेचारी तो घर से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही. उसके ऊपर वो एक बहुत ही बुरा सपना देखती है जिससे उसे लगता है कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी माता पिता दोनों की ही मृत्यु हो गई है. ऐसा सपना देखकर तो हर कोई डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, तो कैट भी बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाती है और फिर उसकी तो बात भी नहीं हो पा रही घर से. तो अभी सिचुएशन ये है कि इस स्कूल बिल्डिंग में कैट और रोज को आज रात रुकना होगा. यहाँ पर दो सिस्टर्स और भी हैं, लेकिन वो दोनों अपने केबिन में रहते हैं अलग से. मतलब इस ह्यूज स्कूल बिल्डिंग में सिर्फ कैट और रोज को ही रहना पड़ेगा. रोज उम्र में कैट से थोड़ी सी बड़ी थी, इसीलिए उसे ही कहा गया कैट की ख्याल रखने के लिए. रात का समय है, वो दोनों सिस्टर्स अपने कमरे में है. इधर स्कूल बिल्डिंग में कैट की ख्याल रखने की जगह हम देखते हैं रोज खुद को लेकर ही बिजी है. उसे तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, लेकिन जब वो जाने की तैयारी कर ही रही थी कैट उसे रोकती है. वो बेचारी इस खाली बिल्डिंग में अकेली कैसे रात बिता पाएगी, लेकिन रोज उसकी एक भी नहीं सुनती. वो निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो कैट को इस बिल्डिंग के बारे में एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाती है. वो कहती है इस स्कूल बिल्डिंग में पहले कुछ नान्स रहते थे जो डेविल वर्शिपर्स थे, और इसी स्कूल बिल्डिंग में वो लोग शैतान की पूजा करते थे. रोज शायद मजाक ही कर रही होगी, लेकिन कैट सच में डर जाती है. वैसे भी उसे इस खाली बिल्डिंग में रात बिताना है, वो भी अकेली. ये क्या कुछ कम चैलेंजिंग था? उसके ऊपर फिर से रोज ने उसे डरा दिया. बेचारी कैट की हालत सच में खराब है, लेकिन रोज को तो कुछ परवाह ही नहीं है. वो तो निकल जाती है, और उसके निकल जाने के कुछ देर बाद ही हॉल में फोन रिंग होता है. कैट जाकर फोन रिसीव भी करती है, और वो इस कॉलर को डैड कहकर पुकार रही थी. तो हो सकता है ये उसकी डैडी हो या फिर कोई और, पता नहीं. चलिए जानते हैं आगे क्या होता है. कुछ समय बाद रोज लौट आती है और वो बाथरूम में जाती है फ्रेश होने के लिए. तभी उसे बॉयलर रूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देता है. वो जब चेक करने के लिए जाती है, वो देखती है कि कैट जलती हुई बॉयलर के सामने झुककर कुछ बिरबिरा रही है, जैसे वो कुछ मंत्र पढ़ रही. रोज कैट की ऐसी हालत देखकर सच में डर जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे उसकी कमरे तक ले जाती है और उसे सुलाने की कोशिश भी करती है. रोज को लगता है कि शायद वो उस सपने को लेकर डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए उसे शांत करने के लिए रोज कहती है कि टेंशन मत लो, तुम्हारी पेरेंट्स जल्दी तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे. लेकिन इसके जवाब में कैट बहुत ही क्रीपी वे में कहती है, मुझे पता है दे आर डेड और वो लोग कभी नहीं आने वाले. उसकी बात करने के तरीके से रोज बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और वो अपने कमरे में आकर दरवाजा लॉक कर देती है. दरवाजे के सामने वो एक चेयर भी रख देती है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी. उधर हम कैट को देखते हैं बहुत ही डरावने हालत में, विच क्लियरली प्रूव्स दैट शी इज पोजेस्ड, बट ये बात किसी को भी अब तक नहीं पता. नेक्स्ट मॉर्निंग रोज जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है, वो देखती है वहाँ पर दो सिस्टर्स के साथ साथ कैट भी उपस्थित है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही. ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कल रात के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती. ब्रेकफास्ट करने से पहले सभी मिलकर प्रेयर करने के लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कैट प्रेयर करने के लिए बिल्कुल राजी ही नहीं हो रही थी. एक सिस्टर उसे बहुत ही डांटती है उसकी बदतमीजी के लिए, लेकिन कैट उल्टा उन्हें ही अनप शनप कहने लगती है, और फिर वो एक वाइट लिक्विड वॉमिट करती है. सभी को लगता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही परेशान है अपने पेरेंट्स को लेकर,
इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही है। इसी बीच यहाँ के जो हेडमास्टर है मिस्टर गॉर्डन वो फोन करते हैं और कहते हैं वो कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। तो रोज जाती है ड्राइववे क्लियर करने, लेकिन जब वो वापस आती है वो देखती है ये केबिन बंद है। वो बार बार नॉक भी करती है लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता, तो वो स्कूल बिल्डिंग में ही वापस चली जाती है। कुछ ही समय बाद मिस्टर गॉर्डन आ जाता है स्कूल में और उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सच में कैट की पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है और वो भी एक कार एक्सीडेंट में। अंदर जाने पर उन्हें वॉल पे बहुत सारा खून दिखाई देता है और तभी वो लोग अपने सामने कुछ ऐसा देखते हैं कि उनका होश ही उड़ जाता है, लेकिन वो क्या ये हमें अभी दिखाई नहीं जाता। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में हमें एक जोन नाम की लड़की दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये लड़की असल में एक मेंटल असाइलम से भाग कर आई है, उसे कहीं पर जाना है। वो जब बस के लिए वेट कर रही थी तभी उसे एक गाड़ी में लिफ्ट मिलता है। इस गाड़ी में एक एज्ड कपल थे, बिल और लिंडा, और ये लोग उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ जोन को जाना था, और ये सभी लोग ब्रैमफोर्ड की तरफ जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर वो लोग एक मोटल में रुकते हैं। जोन जब नहाने के लिए जाती है हम देखते हैं उसके कंधे पर एक निशानी है जो प्रोबेबली गोली लगने की वजह से हुआ है। तभी एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसे सच में एक पुलिस ने गोली मारी थी। नाउ थिंग्स आर गेटिंग रियली कॉम्प्लिकेटेड। ये लड़की आखिर है कौन? ये मेंटली सिक भी है और इसकी बैकग्राउंड भी कुछ ठीक नहीं लग रही। जरूर बहुत कुछ छुपा है इसकी पास लाइफ में। बिल, जोन और लिंडा डिनर करने के लिए पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ पर जाकर हमें पता लगता है कि बिल और लिंडा हर साल इसी दिन ब्रैमफोर्ड आते हैं क्योंकि कल उनकी बेटी की डेथ एनिवर्सरी है और 9 साल पहले उनकी बेटी की मृत्यु हुई थी कल के ही दिन। बिल जोन को अपने बेटी की एक तस्वीर भी दिखाते हैं और हम देखते हैं कि ये तस्वीर असल में रोज की है। मतलब ये लोग रोज की पेरेंट्स है वो तो ठीक है, लेकिन रोज गुजर चुकी है और वो भी 9 साल पहले, इसका क्या मतलब है? हम तो कुछ ही देर पहले उसे देखे थे। रोज की फोटोग्राफ देखकर जोन की एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि वो रोज को जानती थी, लेकिन वो इन लोगों से कुछ नहीं कहती। वो उठकर बाथरूम चली जाती है और वहां पर वो ऐसा लग रहा था कि वो हंसी रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्यों? और अगर वो रोज को जानती भी थी तो उन्हें क्यों नहीं बताई? तभी एक फ्लैशबैक आता है और हमें दिखाई जाती है कि ये जोन असल में जोन नहीं है, मतलब ये उसकी असली नाम नहीं है, उसकी नाम तो शायद कुछ और ही है और उसके पास जो आईडी कार्ड है वो असल में उसकी खुद की नहीं है। वो हॉस्पिटल से भागने से पहले एक औरत को मारकर उसकी आईडी कार्ड चुरा कर भाग आई है। मतलब ये लड़की अभी तक अपने बारे में जो भी कह रही है, जो भी दिखा रही है, वो सब कुछ झूठ है। तो सच क्या है? अभी तक हमें उसके बारे में एक भी सच नहीं पता। कुछ देर बाद वो लोग ब्रैमफोर्ड के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जब इस जोन को, मतलब इस नकली जोन को ड्रॉप करने ही वाले थे तभी ये पागल लड़की उन दोनों को भी ब्रूटाली मार डालती है और उन दोनों की सर काट के वो एक सूटकेस में पैक कर लेती है और पहुंच जाती है उसी ब्रैमफोर्ड स्कूल में जो अभी बंद हो चुका है। लेकिन क्यों? कौन है ये लड़की और वो इस स्कूल में क्या कर रही है? वो रोज को कैसे जानती है और वो इतनी बेरहमी से उन दोनों का खून भी क्यों किया? और 9 साल पहले रोज गुजर चुकी है, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे सवाल है और हमें इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा जब हमें इस फिल्म की असली राज के बारे में पता चलेगा। और इस फिल्म की असली राज जानने के लिए हमें इस फिल्म को शुरू से शुरू करना होगा। दोस्तों, अगर आपको याद हो उस रात जब रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और कैट बिल्डिंग में अकेली थी, एक फोन आया था। हमें लगा था कि वो फोन शायद उसकी डैड ने किया था, लेकिन असलियत कुछ और है। असल में वो फोन शैतान का था। उस रात रोज मजाक मजाक में जो बताई थी वो असल में सच है। स्कूल में सच में पहले शैतान की पूजा किया जाता था। कुछ दिन के लिए शायद शैतानी हरकतें बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी वो शैतान इसी स्कूल बिल्डिंग में प्रेजेंट था। और फिर कैट इस स्कूल में आई। वो पहले से ही मेंटली वीक थी, हमेशा डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब्ड रहने वाली, यानी कि वो ऑलरेडी वल्नरेबल थी। और उस रात जब उसने वो फोन रिसीव किया, शैतान ने उसे कम्प्लीटली अपने वश में कर लिया।
शैतान ने ही उसे ऑर्डर दिया था कि वो यहाँ के सारे लोगों को मार डाले। नेक्स्ट डे वो यहाँ के दोनों सिस्टर्स और रोज को मार के उनके सर को ले जाके उसी बॉयलर रूम में शैतान को भेंट चढ़ाई थी और उनके शरीर हॉल में ही पड़ा था, जिसे देखकर मिस्टर गॉर्डन और वो पुलिस स्टैंड हो गए थे। जब वो दोनों मिलके उस पूरी बिल्डिंग में तलाशी ली तो उन्हें उसी बॉयलर रूम में कैट मिली थी, तब भी वो कम्प्लीटली पोजेस्ड थी। उसी जलती हुई बॉयलर के सामने वो तीन कटे हुए सर रखा था। वो शैतान की पूजा कर रही थी, उसकी दिल और दिमाग उसकी बश में नहीं थी। जब वो पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने नहीं सुनी, तो वो पुलिस ने भी शूट कर दी और वो गोली जाकर उसकी कंधे पर लगी। इसके बाद उसे एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी में एडमिट करवाया गया और वहां पर उसके ऊपर एक्सोसिज्म भी की गई, जो फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल भी हुआ था। हमें उस शैतान की एक इमेज भी दिखाया गया जो अभी उसके शरीर से बाहर आ चुका है, लेकिन इस बात से कैट बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी वो शैतान उसकी ही अंदर रहे, क्योंकि इससे वो खुद को कंप्लीट महसूस करती थी, लेकिन वो शैतान उसे छोड़कर जा चुका था। देखते देखते 9 साल बीत गया तो वो ये पूरा समय उसी एसाइलम में थी, लेकिन एक दिन वो वहां से भाग निकली। उसे फिर से उसी शैतान को बुलाना है, वो फिर से उसी खुशी को महसूस करना चाहती थी जो उस शैतान ने उसे दी थी, उसे फिर से वही कॉम्प्लीटनेस फील करना है। तो वो फिर से उसी ब्रैनफोर्ड स्कूल बिल्डिंग के लिए रवाना हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जोन ही असल में 9 साल पहले की कैट है। ये कहानी में हमें दोनों टाइमलाइंस पैरेलल वे में दिखाई गई है, लेकिन असल में दो अलग टाइमलाइन है। रोज और कैट एक टाइमलाइन से बिलोंग करती है और जोन बिलोंग करती है 9 साल बाद की टाइमलाइन से, और इसीलिए जोन की कंधों पर उसी गोली का निशान था जो गोली कैट को लगी थी बचपन में, और इसीलिए जोन रोज को पहचानती थी क्योंकि उसी ने तो 9 साल पहले उसकी खून की थी। जब उसे पता चला बिल और लिंडा रोज की पेरेंट्स है, तो उसे लगा शायद ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, शायद शैतान उसे एक चांस दे रहा है। वो दोनों को मार के वो शायद फिर से उसी शैतान को बुला सकती है, तो वो उन दोनों को मार डालती है। बट द पॉइंट इज वो अभी पोसेस नहीं है, तो शी रियलाइजेस उससे कितना बड़ा क्राइम हो गया है, बट उसके लिए शैतान को बुलाना इससे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो पहुंच जाती है उसी स्कूल की उसी बॉयलर रूम में, लेकिन आज का ये सिचुएशन 9 साल पहले की सिचुएशन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो जलती हुई बॉयलर अभी बुझ चुका है, विच सिग्निफाइज कि वो शैतान अभी इस जगह को छोड़कर जा चुका है। अभी यहाँ पर कोई भी ऑमनियस प्रेजेंस नहीं है और कैट चाहते हुए भी उस शैतान को बुला नहीं पाती। फिल्म की एंडिंग में हम उसे अकेले चलते हुए देखते हैं और वो अभी रो भी रही है। इतना सब करने के बाद भी उसे वो शैतान नहीं मिल सका। वो बिल्कुल अकेली है, ना है पेरेंट्स ना कोई और अभी उसकी गिल्टी फीलिंग्स उसे हॉन्ट भी कर रही है। फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। द ओनली गुड पार्ट इज वो रिपेंट कर रही है, उसे एहसास है अपनी गलतियों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना एंड सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।